मॉनसून पूरी रफ्तार में है, पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक इसका असर साफ देखा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे 5 जाम हो गया, तो कुल्लू में शुक्रवार के ही दिन दो जगहों पर बड़ी लैंडस्लाइड हुई जिसके बाद सड़क पर आवाजाही प्रभावित हुई। शुक्रवार की शाम से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण गुरुग्राम का भी हाल बुरा है, तो वहीं दिल्ली NCR में पिछले 12 घंटों से रुक रुक कर बारिश जारी है। शुक्रवार देर शाम बारिश के बाद दिल्ली जयपुर हाईवे पर गुरुग्राम में भारी जाम की स्थिति बनी रही, तो वहीं मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ ने कहर बरपाया। आज भी महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आफत की बारिश के आगे पहाड़ का सरेंडर। घरों में घुसा पानी, सड़कें बनी समंदर। मुंबई से दिल्ली तक सैलाब समंदर। मानसून का कहर पहाड़ से लेकर मैदान तक बरप रहा है, तो देश की राजधानी दिल्ली से लेकर साइबर सिटी गुरुग्राम और माया नगरी मुंबई तक पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शुक्रवार शाम से हो रही बारिश ने जहां दिल्ली वालों की परेशानी बढ़ा दी, तो गुरुग्राम में भी भारी जल जमाव के हालात बन गए। वहीं पिछले एक हफ्ते से बारिश से परेशान मुंबईकरों को आज भी छुटकारा मिलने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में मुंबई समेत राज्य के करीब 2 दर्जन जिले बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे हैं। मुंबई के पास ठाणे की तस्वीर देखिए, जहां बारिश के बाद सड़क पर सैलाब बह रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों के चक्के पानी में डूब गए हैं। अब आपको महाराष्ट्र के सांगली से आई भयावह तस्वीरें दिखाते हैं। सांगली में बजरंग खामकर नाम का ये शख्स गुरुवार रात वरुणा नदी में गिर गया, जिसके बाद खुद को बचाने के लिए एक पेड़ के सहारे पूरी रात गुजारी। सुबह गांव वालों ने देखा तो रेस्क्यू शुरू हुआ। आप जब बचाने गए थे वहां पर तो क्या स्थिति थी, कब से वो फंसे थे, विस्तार से बताइए। उनके हिसाब से उन्होंने हमें जो बताया, वो रात को 9 बजे रात में पुल से गिरे थे तोल जाके। उन्होंने कोई ऐसा सुसाइड का अटेम्प्ट नहीं किया था, ऐसा बोल रहे वो। रात से 9 बजे से वो वही थे। जब आप वहाँ पर गए तो रस्सी हमने देख रहे थे कि आप उनको उतार रहे थे, वो पूरी प्रक्रिया बताइए कैसे आप उन तक पहुँचे, उसके बाद क्या हुआ? पहले तो हम जाके उधर देखे कि बाबा हमारी बोट जा सकती है क्या, क्योंकि बोट की सेफ्टी भी पहले देखना चाहिए, बोट जा सकती है क्या पहले देखी, बाद पूरा अंदाज लिया उधर से, और बाद में ऐसा जल लगता है कि बोट जा सकती है उधर, उसके बाद हमने बोट लगाया उधर, उसको निकालते हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद पालघर के वसई में गोकुल आंगना सोसाइटी में बने लो राइज फ्लैट्स में पानी घुस गया। लोग पूरा दिन अपने घरों के सामान को बचाने में लगे रहे। नहीं रास्ता ही नहीं, पानी नहीं निकलता ना, सबसे पानी जाएगा तो हमारे लास्ट में हमारा सोसाइटी का पानी जाता है, तभी तो हमारे सोसाइटी में पानी रहता ही। और ग्राउंड फ्लोर लगभग आपका जो हाल है, बाकी सारे टावर्स में जो लोग भी रह रहे हैं? हाँ, उनका भी सबका ही, हमारा नहीं, सब जीजन नीचे वाले हैं, उनका सबका हाल वही है। किधर कोई ऊपर रह रहे टेरिस पे, हाँ, तो जिसको जिधर जगह मिल रही है उधर जा रहे ना बिचार जान बजा के ऐसा सामान छोड़ के। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश एक और जहां लोगों के लिए आफत लेकर आई है, तो मुंबई के लोगों के लिए पूरे साल के पीने का पानी का इंतजाम भी हो गया है। दरअसल मुंबई को पीने के पानी की सप्लाई 7 तालाबों से की जाती है, इनमें से 4th तालाब यानी मोदक सागर भी अब ओवरफ्लो हो गया है। इससे पहले तुलसी तालाब, विहार तालाब और तानसा तालाब भी ओवरफ्लो हो चुके हैं। मुंबई में पीने के पानी की नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई करने वाली पवाई लेक भी पूरी तरह से लबालब हो चुकी है, यहां से भी पानी ओवरफ्लो हो रहा है। मैं फिलहाल पवई में स्थित पवई लेक के पास खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि ये लेक पूरी तरह से भर गया है और ओवरफ्लो होने लगा है। आपको बता दें कि 600 हेक्टेयर में फैला ये लेक सन 1891 में ब्रिटिश टाइम में बनाया गया था, और अब इस पानी का इस्तेमाल आसपास के इंडस्ट्रीज में किया जाता है और
इस पानी का इस्तेमाल नॉन डोमेस्टिक चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। महाराष्ट्र के विदर्भ, कोंकण और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में बारिश और बाढ़ की स्थिति अब भी बनी हुई है। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, यवतमाल में पिछले 24 घंटे और उससे पहले हुई बारिश से नदियां उफान पर हैं। पालघर, रत्नागिरी में कुछ इलाके प्रभावित हुए हैं तो नांदेड़ और कोल्हापुर में भी बाढ़ की स्थिति है। वहीं आज भी मुंबई और महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश का अलर्ट है। हालांकि आज मुंबई और उससे सटे इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान है। मुंबई के लिए आज येलो ग्रीन अलर्ट है तो वहीं रायगढ़, पालघर, ठाणे, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में येलो अलर्ट दिया गया है। मुंबई के बाद आपको दिल्ली और आसपास में मानसून की मार की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां शुक्रवार को हुई भारी बारिश के बाद साइबर सिटी गुरुग्राम के पास की तस्वीर देखिए। यहां भारी बारिश के बाद ट्रैफिक का बुरा हाल देखने को मिला। आम दिनों में फर्राटा मारने वाली गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई दिखी। घुटनों भर पानी में जहां ट्रैफिक जाम के कारण लोग परेशान रहे तो वहीं पानी में डूबने से गाड़ियां खराब भी हो गई। सैलाब के सितम के बीच लोग अपनी गाड़ियों को खींचते दिखे। हिमाचल प्रदेश में अब भी बारिश का कहर बरप रहा है। ऐसा लग रहा है मानसून के आगे पहाड़ सरेंडर कर देगा। शुक्रवार को शिमला में हुए लैंडस्लाइड के बाद जहां NH5 ब्लॉक हो गया, गाड़ियों की रफ्तार थम गई, वहीं कुल्लू में एक दिन में ही दो बड़े लैंडस्लाइड के मामले सामने आए। कुल्लू के सामेज में जहां पहाड़ खिसकने के बाद रास्ता जाम हो गया तो कुल्लू के चाती में भारी मात्रा में पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गया, जिससे रोड ब्लॉक हो गया। गनीमत रही कि इन हादसों की चपेट में आने से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हिमाचल में हालात बुरे हैं तो उत्तराखंड में भी मानसून का कहर बरपा है। रुद्रप्रयाग जिले से आई तस्वीरें देखिए। पहाड़ों पर हुई बारिश का असर इस मकान पर पड़ा और वो ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गए। केदारनाथ हाईवे पर बड़ासू में लगातार कई दिनों से हो रही बारिश के बाद ये हाल हुआ है। जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो रहे हैं। यहां रियासी के जीरो मोड इलाके में सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसके बाद ट्रैफिक को दूसरे रूट पर डायवर्ट करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुई भारी बारिश के बाद NH44 पर बना पुल टूट गया, जिससे भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। पुल टूटने के बाद नदी की उफनती धार के बीच से जान हथेलियों पर लेकर गाड़ियों को निकाला जा रहा है। पठानकोट में सैकड़ों ट्रकों की कतार लगी है। ट्रक ड्राइवर जाम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और इसी बीच ये तस्वीर आप दिल्ली के राजपथ की देख रहे हैं। यहाँ की जिस तरह से बारिश हो रही है, अब लोगों को पन्नी और रेनकोट के सहारे सड़क पर चलना पड़ रहा है। हालांकि गनीमत की बात यह है कि आज शनिचर का दिन है तो कम ही लोग अपने दफ्तरों के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग अपने दफ्तरों के लिए जाते हैं शनिचर और इतवार को भी, उनको भी परेशानी का एहसास होगा, क्योंकि सुबह से ही दिल्ली NCR में बारिश हो रही है। और ये तस्वीर आप राजपथ की देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको बारिश की बूंदें बरसती हुई नज़र आ रही हैं। और यही हाल उत्तर भारत से लेकर पश्चिम भारत तक का है, जहां बारिश का ऑरेंज, येलो और रेड अलर्ट अलग अलग इलाकों में जारी किया गया है। ये एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, छाता का सहारा लेते हुए लोग जो हैं वो अपने गंतव्य की तरफ जाते हुए। हालांकि अमूमन वीकेंड्स में यहां पर जो दौड़ने वाले लोग हैं या जो सुबह जॉगिंग के लिए दिखते हैं वो भी नज़र आते हैं, लेकिन क्योंकि आज बारिश हो रही है तो इसीलिए उन लोगों की संख्या कम है। भारी बारिश के कारण देश के पश्चिमी हिस्से की नदियों की अगर बात की जाए तो वो उफान पर हैं। गुजरात के नवसारी में पूरा शहर जलमग्न है तो वहीं राजस्थान के जोधपुर में मूसलाधार बारिश के बाद शहर में सैलाब आ गया है। लोग बड़ी मुश्किल से सड़क पार करते हुए कमर तक डूबते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये देखिए किस तरह ट्रैक्टर का सहारा लेकर सड़क पार कर रहे हैं, तो कहीं गाड़ी फंस गई है उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। मथुरा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मथुरा पानी पानी हो चुकी है। सैलाब का सितम, बारिश बेरहम।
सड़क पर सैलाब, पानी बेहिसाब। नदियां हुई बेकाबू, शहर बने टापू। उत्तर से दक्षिण भारत तक मानसून कहर ढा रहा है, तो सैलाब के आगे गांव से लेकर शहर तक के लोग परेशान हैं। मानसून की मार की ये चार तस्वीरें तेलंगाना के वारंगल, उत्तर प्रदेश के मथुरा, राजस्थान के जोधपुर और गुजरात के नवसारी की है, जहां मानसून का कहर बरप रहा है। दक्षिणी गुजरात के नवसारी जिले में पिछले एक हफ्ते से जारी मूसलाधार बारिश के बाद कावेरी और पूर्णा नदी उफान पर है, तो शहर में जल जमाव के बाद लोग जल कैदी बने हुए हैं। नवसारी का हाल बहुत बुरा है। भारी बारिश के बाद जल जमाव की ड्रोन से ली गई यह तस्वीर देखिए। नवसारी शहर का कोना कोना पानी में डूबा है। बड़े बड़े अपार्टमेंट पानी से घिर गए हैं। मोहल्लों में कमर तक पानी है, तो शहर के निचले इलाकों में लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। नवसारी के जूना थाना इलाके में ये जो घर है वो मध्य प्रदेश के गवर्नर यानी कि राज्यपाल का घर है, मंगूभाई पटेल का घर है, वो जलमग्न है, वो इस वक्त पानी में डूबा है। वहीं उसके आसपास जो घर हैं, वो भी तकरीबन दो दर्जन से ज्यादा घर हैं, वो फिलहाल जलमग्न है। और इन घरों में रहने वाले लोग जो हैं, या तो घर के अंदर बंद हैं, या फिर वो घर छोड़कर चले गए हैं ताकि पानी जब कम हो तब वो वापस आए। फिलहाल पूरा इलाका जो है आपको इस वक्त जलमग्न दिखेगा। बाढ़ और बारिश के खतरे को देखते हुए गुजरात सरकार ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। नवसारी के साथ साथ नजदीकी जिले डांग में भी भारी बारिश हुई है। पूर्णा, अंबिका और कावेरी तीनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिनका पानी रिहायशी इलाके में घुस गया है। गुजरात के बाद अब आपको यूपी लिए चलते हैं, जहां भारी बारिश के बाद श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा का भी बुरा हाल है। जल निकासी नहीं होने के कारण सड़क पर इतना पानी जमा हो गया कि उसमें डूब कर गाड़ियां खराब होने लगी। एक रेलवे ब्रिज के अंदर जल भराव के बीच फंसकर पुलिस की जीप ही खराब हो गई। पुलिस वाले गश्त पर निकले थे, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद भी जब गाड़ी ठीक नहीं हुई और अंडरपास में पानी बढ़ने लगा, तो पुलिस वाले जीप छोड़कर चले गए। 84 कोस परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु पानी के बीच लाइन लगाकर साइड से निकलते दिखे। मथुरा में दर्शन के लिए आए श्रद्धालु जहां शहर की दुर्दशा से परेशान दिखे, तो मथुरा के लोग इसे निगम की लापरवाही करार दे रहे हैं। इतनी परेशानी है, रिक्शे से परेशानी आने जाने में, और इधर पैदल जा रहा हूँ उसको परेशानी है, साइड से लोग जा रहा है उस तरफ जाना पड़ रहा है। तो रिक्शे वाले ने आपको यही उतार दिया? नहीं उतार रहा है, रिक्शे वाले बोल रहा है भैया तुम पैदल चले जाओ, वहाँ से आ जाओ तुम, बस स्टैंड मिल जाए, बस स्टैंड से आप चले जाओ। नगर निगम की लापरवाही है, यहाँ पर पानी की वो नहीं है, निकलने का समाधान ही नहीं है। यहाँ पर नाले भरे हुए हैं, सारे जगह नीचे पड़ गई है नाले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।